जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RHC न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार टीम हो तो ऐसी जो पहले 10 ओवर में ही बना दे 200 रन। तो दोस्तों, जानेंगे कि आखिरकार बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा जो टीमें बनाई जाती हैं उसमें कौन सी ऐसी टीम है जो 10 ओवर में ही 200 रन बनाने की काबिलियत रखती है। तो आपको इस टीम के बारे में बताएंगे और साथ में आपको यहाँ पर क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। जैसे की जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को दिया करारा जवाब, कहा जिसे अपनी उम्र याद नहीं रहती वह मेरे रिकॉर्ड कैसे याद रखेगा। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पाकिस्तानी दिग्गज का बड़ा बयान, विराट कोहली और रोहित शर्मा में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसी क्लास नहीं। तो इस दिग्गज का क्या बड़ा बयान निकल कर आया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो अभी से वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जब T20 क्रिकेट आया है तो बल्लेबाजों ने क्रिकेट को अधिक आक्रामक तरीके से खेलना शुरू कर दिया है। तो लगभग हर T20 मैच में टीम का स्कोर 20 ओवर में 200 से अधिक रनों का हो जाता है। तो इसे ही देखते हुए आज हम आपको दुनिया के साथ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जो अगर एक ही टीम की तरफ से खेलें तो वो 10 ओवर में 200 रन बना सकते हैं। तो आइए चलिए, अब एक एक करके हम आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताते चलते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं जो टॉप 6 बल्लेबाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस लिस्ट में जो छठे बल्लेबाज रखे गए हैं वो हैं हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, इस टीम में छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या की पोजीशन रखी गई है। दरअसल भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को तो हम सभी जानते हैं और वो कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और वहीं हार्दिक पांड्या अंतिम कुछ ओवर पर किसी भी तरह की गेंदबाजी आक्रमण को घुटनों पर ला सकते हैं, जिसे देखते हुए यहां पर छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या का नाम रखा गया है। तो वहीं बात करें पांचवें खिलाड़ी के बारे में, जो पांचवें खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल है वो है ग्लेन मैक्सवेल। जी हां दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल इस टीम में पांचवें नंबर पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वो यहां पर इस वाले स्थान पर बिल्कुल फिक्स साबित होते हैं। दरअसल मैक्सवेल अधिक से अधिक चौके और छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और वह आसानी से अधिक रन भी बना लेते हैं। और वहीं पहले 8 ओवर में 150 रनों के स्कोर का एक बार उन्होंने आंकड़ा छू रखा है, जो कि एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है और इसीलिए उन्हें पांचवें नंबर पर यहां पर रखा गया है। तो वहीं बात करें चौथे खिलाड़ी के बारे में, जो चौथे खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल है वो है आंद्रे रसल। जी हां दोस्तों, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे वेस्टइंडीज टीम के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसल। दरअसल हम सभी जानते हैं कि आंद्रे रसल एक विस्फोटक बल्लेबाज है और वे अधिकतम गेंदों पर छक्का लगा सकते हैं और वह कुछ गेंदों में कई रन भी बना सकते हैं, जिसके लिए चौथे नंबर पर आंद्रे रसल का नाम इस लिस्ट में रखा गया है। तो वहीं चलिए, अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। जो इस लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी चुने गए हैं वो हैं एबी डिविलियर्स। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स इस टीम से नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आएंगे। और हम सभी जानते हैं कि एबी डिविलियर्स मात्र 10 गेंदों में 30 से ज्यादा रन बना सकते हैं और उससे अधिक तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसके लिए तीसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स का नाम आता है। तो वहीं बात करें ओपनर खिलाड़ियों के बारे में, तो अब आप पहले थोड़ा गैस कीजिए कि ओपनर खिलाड़ी कौन होगा। तो दोस्तों, ओपनर खिलाड़ियों के तौर पर रोहित शर्मा और क्रिस गेल का नाम यहाँ पर चुना गया है। दरअसल जैसे कि आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा और क्रिस गेल इस टीम में एकदम सही साबित होंगे और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाज हैं और अगर ये दोनों बल्लेबाज पहले 3 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो स्कोर 60 रन के और भी ज्यादा आगे पहुंच जाएगा, जिसके चलते ओपनिंग क्रिस गेल और रोहित शर्मा करेंगे। तो दोस्तों, यही थी वो पूरी लिस्ट जिसमें ओपनर थे रोहित शर्मा, क्रिस गेल, तीसरे नंबर पर आते हैं एबी डिविलियर्स, चौथे नंबर पर आते हैं आंद्रे रसल, पांचवें नंबर पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सातवें पोजीशन पर आप किस खिलाड़ी को रखना चाहोगे उसका नाम बताना। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, गौतम गंभीर ने दिया शाहिद अफरीदी को करारा जवाब, कहा जिसे अपनी उम्र याद नहीं वह मेरे रिकॉर्ड कैसे याद रखेगा। जी हां, दरअसल आपको पता है कि शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर में कितनी बड़ी लड़ाइयां छिड़ती रहती हैं। तो इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर से दोनों के बीच में बहस छेड़ी। दरअसल ताजा मामला अफरीदी की आत्मकथा गेम चेंजर में गंभीर के बारे में लिखी गई घटना के मीडिया में आने के बाद का है। दरअसल यह किताब पिछले साल जारी हुई है और अफरीदी ने इसमें गंभीर के व्यवहार और रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसके साथ एटीट्यूड की समस्या थी। तो इसी के ऊपर अब गौतम गंभीर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जिसे अपनी उम्र याद नहीं रहती वह मेरे रिकॉर्ड कैसे याद रखेगा। अफरीदी, मैं आपको एक रिकॉर्ड याद दिलाता हूँ, 2007 में T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का था और जहाँ पर गंभीर ने 54 गेंदों में 75 रन बनाए थे, जबकि अफरीदी
समिति मात्र एक गेंद में 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि इससे भी जरूरी चीज यह है कि विश्व कप हम जीते और हाँ, मैं झूठे देशद्रोही और अवसरवादियों के प्रति सख्त रवैया रखता हूँ। का कहना है गौतम गंभीर के इस रिप्लाई के बारे में आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली और लास्ट खबर के बारे में। जो अगली खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी दिग्गज का बड़ा बयान, विराट कोहली और रोहित शर्मा में सचिन द्रविड़ जैसे क्लास नहीं। जी हां दोस्तों, ये जो बयान है वो अभी मोहम्मद यूसुफ ने दिया जो कि पाकिस्तान टीम के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक है, और उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन उनमें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसी बल्लेबाजी गुण नहीं है जो कि इन दोनों खिलाड़ियों में थे। तो आप क्या मानते हो, क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें इसके बारे में भी जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली और आखिरी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि आईपीएल में कपिल देव रवि शास्त्री पर होते करोड़ों रुपए की बारिश। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है इंडियन प्रीमियर लीग ने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरीके से बदल दिया है, और सिर्फ इस लीग से ही ना सिर्फ टीम इंडिया को अच्छा टैलेंट मिला बल्कि कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की वजह से करोड़ों कमाने भी लगे। तो अब सोचिए अगर आईपीएल 80 या फिर दशक में शुरू होता तो उस दौर में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें खरीदने के लिए टीमें करोड़ों रुपए खर्च कर सकती थी। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो 10 पूर्व भारतीय बल्लेबाज कौन से थे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला नाम निकल कर आता है कपिल देव, जो कि काफी पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम पर। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत, तीसरे नंबर पर विनोद कांबली, चौथे नंबर पर मोहम्मद अजरुद्दीन, पांचवे पर अजय जडेजा, छठे पर मनोज प्रभाकर, सातवें पर रोबिन सिंह, आठवें नंबर पर रवि शास्त्री, नौवे नंबर पर मनिंदर सिंह और दसवें नंबर पर जवागल श्रीनाथ। ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हो कि इन लोगों को छोड़कर क्या अगर 80 के दशक में आईपीएल होता तो कोई और गेंदबाज या फिर बल्लेबाज इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल जो आईपीएल के मुकाबले थे जो कि 29 मार्च से शुरू होने वाले थे तो इस साल वो अनिश्चित काल तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो वहीं हम सभी को उम्मीद थी कि 15 अप्रैल से मुकाबले खिलवाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते आप सभी की गुजारिश पर हम आपको डेली आईपीएल के रिकॉर्डों से रिलेटेड वीडियोस बनाकर दे रहे हैं। तो आज उन्हीं में से एक रिकॉर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो आज का रिकॉर्ड दोस्तों होने वाला है वो काफी ही दिलचस्प रिकॉर्ड है। दरअसल आप सभी के मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिरकार आईपीएल के मुकाबले में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ कौन बल्लेबाजी करता है। तो आइए चलिए अब हम आपको उन टॉप 7 बल्लेबाजों की लिस्ट दिखाएंगे जहां पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना ऊपर है और कौन चलते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो 7वां सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वो है जॉनी बेयरस्टो का। जी हां, जॉनी बेयरस्टो ने आईपीएल के इतिहास में अभी तक 10 ही मैच खेले हैं जहां पर 10 मैच खेलते हुए उन्होंने 445 रन बनाए हैं, और जो उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान रहा है वो 157.24 का रहा है। बाकी अगर आप लिस्ट में देखोगे तो जॉनी बेयरस्टो 7वें नंबर पर आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं छठे खिलाड़ी के बारे में। जो छठे खिलाड़ी इस लिस्ट में आते हैं वो है क्रिस मॉरिस। जी हां दोस्तों, क्रिस मॉरिस की तो बल्लेबाजी आप सभी ने देखी होगी, कितने ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं ये और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं। तो अब तक क्रिस मॉरिस ने 61 मैचों में भाग लिया जहां पर उन्होंने 39 इनिंग खेली और 512 रन बनाए, जिस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 157.62 का था और जो उनका हाईएस्ट स्कोर था वो 82 रनों का था नाबाद। तो यहां पर छठे नंबर पर क्रिस मॉरिस का नाम निकल कर आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं पांचवे खिलाड़ी के बारे में। जो पांचवे खिलाड़ी है वो है ग्लेन मैक्सवेल। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने 69 मैचों की 68 इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए एक हम बात करते हैं चौथे खिलाड़ी के बारे में। जो चौथे खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल है वो है ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत 54 मैचों की 54 इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 1736 रन अब तक बना चुके हैं। तो वहीं हाईएस्ट स्कोर जो ऋषभ पंत का रहा है वो 128 रनों का रहा है नाबाद, और इस दौरान जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 162.69 का रहा है। तो यहां पर इसीलिए चौथे नंबर पर ऋषभ पंत का नाम आता है। तो यहां पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले 3 खिलाड़ी ही इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तो यहाँ पर जो तीसरा नाम निकल कर आता है वो है मोइन अली का। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले मोइन अली ने अब तक 16 मैचों की 14 इनिंग में 297 रन बनाए हैं, जहां पर जो उनका हाईएस्ट स्कोर था वो 66 रनों का था और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 165.92 का है। तो जिसके चलते तीसरे नंबर पर यहाँ पर मोइन अली का नाम आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। जो दूसरे बड़े खिलाड़ी निकल कर आते हैं जिनका नाम आप जानकर जरूर चौंकोगे, वो नाम है सुनील नरेन का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, सुनील नरेन ने अब तक अपने आईपीएल के इतिहास में एक टेस्ट स्पिन आया हो। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको देश दुनिया की तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।